बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम सब ठीक ठाक हैं। आज हुई है बारिश, आज है 14 जुलाई, 14 जुलाई है ना। हाँ, तो अभी सुबह भी बारिश हुई है, उसकी जो है ना अच्छी खासी बारिश हुई है। उसकी वीडियो जो हमने बना ली है वो तो शायद एक दिन मैं पहले अपलोड कर दूँगी, और ये जो है ये बाद में करूँगी। ये हम बारिश का मौसम अच्छा है, बारिश होने से मौसम अच्छा होगा तो सोचा है कड़ी बना लें, तो ये कड़ी के सामान की तैयारी कर रही है बाजी। मौसम अभी भी रिमझिम है, अभी भी रिमझिम लगी हुई है, और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा ठंडा, और टैंकी का पानी भी इतना ठंडा, मज़े का हो गया। ये देखिए, ये कड़ी बनाने लगी हूँ मैं, साथ इसकी बनाऊंगी राइस। हाँ, हमारा आटा भी लाने वाला आज के ना सुंडियों वाला आटा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं लेके आते, तो वो हमारा फिर भी 10 किलो का था थैला, वो खत्म हो गया, तो हमने कहा चलो मंगवा लेंगे। तो आज वो बारिश हो गई है और हमने सोचा चलो कड़ी के साथ चावल बना लेते हैं, यही आज मतलब मौसम इंजॉय करते हैं, साथ में जो है ना इनके लिए अच्छा खाना भी बन जाएगा। मेरी सिस्टर कह रही है तेज़ी तेज़ी से प्याज काट रही ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए, सबको भूख लगे, थोड़ा सा टाइम। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे, 10 किलो दही की बना रहे हैं। हाँ, बस थोड़ी सी बना रहे। चलो तैयारी करो, मैं भी साथ साथ मैं बर्तन वॉश करके, तो मैंने इसे कहेंगे मैं साथ साथ चावल बनाती हूँ, साथ पकौड़े बना के जल्दी जल्दी से फिर रेडी हो जाएगा। मसाला हो गया हमारा रेडी, अदरक प्याज और टमाटर, बस यही ना, सिर्फ प्याज टमाटर नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के इसमें ये डालने लगे हैं। ये ऊपर जो दही की मलाइयाँ होती है ना, ऊपर रह गई बेसन की पुटकियाँ वगैरह, जो अगर कोई हो बेसन की गुठलियाँ वगैरह फिर भी छान दे, छान। और अभी तक सुबह से हमने इतने लाल बेग मारे हैं, अभी भी लाल बेग निकल निकल के बाहर आ रहे, मार मार के उसको फेंक रहे। हमने सारी दीवारें धोई हैं, सारा कुछ धो धा के साफ सुथरा किया है, और कॉकरोच इतने निकल रहे मार मार के सुबह से बार बार। ये देखे झाड़ू यहीं पे रखा हुआ है, झाड़ू के साथ उनकी पुटाई लगा के उसको बाहर फेंक देते, बाहर से भी सारा वॉश किया, बाहर में भी लाल बेग मरे हुए हैं। और देखें ये कॉकरोच अभी भी मरे हुए हैं, पड़े हुए उनकी डेड बॉडियाँ, और बाद में धोएंगे, अभी बारिश तो रुकी लेकिन हल्की हल्की सी हो रही है। लेकिन शुक्र है मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत मज़े का, अभी इसमें उबाल आना शुरू हो जाना। ये हम काफ़ी पतली रखते हैं क्योंकि पक पक के जो है ना वो बड़ी गाढ़ी होती है, ये देखिए अगर पहले गाढ़ी रखें वो थोड़े टाइम के लिए पकती, वो इतने मज़े के नहीं लगती, ज़्यादा टाइम के लिए पकाते हैं तो फिर तो ये अभी इसमें उबाल आना शुरू हो जाना, तो फिर इसने इसके पास खड़े रहना, सिस्टर रहती इसके पास, और मैं ना हमारा सूखा तो नहीं आता, मुँह होगा पीसा होगा, मैं सुन लूँ कुछ वो मैं पीस लूँ, तो कोड़ा का सामान बनाती हूँ उतनी। कॉकरोच जब गेट के बाहर फेंक के वो कवे उठा के खा जाते हैं, वो भी मैंने चलो उनका भी चार पांच फेंक के आई हूँ, तो कवे फौरन तीन कवे आए हैं, दो 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 मुंह में लेकर चले गए। अच्छा, इस बेसन में मैं डाल के बनाती हूँ, मैं ना पर धनिया लेके आऊँ, ये पकौड़ों के लिए मैंने प्याज टमाटर सॉरी टमाटर नहीं प्याज आलू ऐसे लंबे लंबे काटे, आलू प्याज धनिया खुश्क धनिया और साथ में नमक और मिर्च, बस ये डाल के तो इसको मैं कर रही हूँ मिक्स, अभी मिक्स करके रख देते हैं ना, जब कड़ी हमारी रेडी होगी तो उसमें डाल देंगे, अभी देखते हैं क्या कड़ी का भाई, अभी हो रही है कड़ी। चलो फिलहाल तो मैंने इतना ही पानी डाला है इसमें, अब इसको रखना है ना, तो इसमें से ये ज़्यादा ही नहीं पतला हो जाए, फिर जितनी ज़रूरत होगी फिर थोड़ी देर के इसमें पानी और डालेंगे। चलो इसको ढक के रख देती हूँ, दो पकौड़े डाले मैंने, पहले मैंने कहा ये देखते हैं उनका टेस्ट कैसा है, नमक मिर्च कम तो नहीं, अगर कोई चीज़ कम होगी तो पहले डाल लेंगे, बजाय के सारे बना लो तो फिर सारे फीके रह जाए, तो चेक करते हैं, एक मैं चेक करूँगी एक सिस्टर को दूँगी, उन्हें छोटे छोटे इसके साथ ही होते हैं, दो बना ये मुझे ऐसा लग रहा जैसे घोड़ा है कोई लकड़ी की काठे वाला, मुझे तो ऐसे लग रहा है, पता नहीं और किसी को लग रहा है कि नहीं लग रहा। जब मैंने इसमें से टेस्ट किया तो इसमें मिर्ची हम मुझे कम लग रही है, मिर्ची मैंने थोड़ी सी और डाली, नमक बिल्कुल ठीक है। नहीं जी, पकौड़ों का साइज़ ना मैं थोड़ा छोटा ही रखती हूँ, क्योंकि कड़ी में डालने के बाद वो फूल के थोड़े से मोटे हो जाते हैं, वो फिर अजीब से लगते हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे से पकौड़े बनाती हूँ। अभी भूख भी लगी और खाना हमारा डैडी ने इनको तो दे दिया था सालन रोटी, हम दोनों ने नहीं खाया, लड़कों ने खा लिया लड़कियों ने नहीं खाया, अभी
भूख लगी हुई है। अरे यार राइस भी खोए हुए, ये भी बनाएगी सिस्टर। पहले मैंने कहा था मैं बनाती हूँ, कहती नहीं मैं बनाती हूँ, चलो वो बना देगी, मैं बना रही हूँ सिर्फ पकौड़े। तो रेडी हो गए हैं ये भी, कितने छोटे छोटे से, कितने छोटे छोटे से मैंने बनाया है ये देखो, और गोल्डन हो गए। मैं इनको निकालती हूँ, सिस्टर ने चावल बना लिए, उसको दम पे लगाया हुआ, और मैं बना रही हूँ, बना नहीं रही, लगा रही हूँ तड़का जीरे का। बस हमारी कड़ी होगी रेडी, बस तड़का लगने वाला है। ये दिखाती हूँ, कड़ी होगी रेडी, बस तड़का लगने वाला है। चलो ये हमारी कड़ी होगी रेडी, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तड़का मैंने लगा दिया इसको, अब भूख लगी, अब जो चावलों का दम खोलता है हम खाते हैं। ये थोड़े से पकोड़े खाने के लिए रखे, इसमें से थोड़े से खा लिए, थोड़े से ये मैं कह रहा हूँ अगर इसने खाने तो खा ले, क्योंकि मुझे कड़ी में ज़्यादा पकोड़े अच्छे नहीं लगते, ये सिस्टर उनके हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, मुझे थोड़ी मतलब थोड़े पकोड़े ज़्यादा कड़ी अच्छी लगती है। आप लोगों को क्या क्या अच्छा लगता है हमें भी बताएं, कमेंट्स में बताइएगा क्या क्या अच्छा लगता है।